चुनाव का दौर एकदम चरम पर है। अब बारी जनता की है कि वो किसे सत्ता पर काबिज करती है। ऐसे में दूरदर्शन मध्य प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन जनादेश में हम आपको प्रदेश के सभी 53 जिलों की जानकारी दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर की। देश का आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिला एक पिछड़ा हुआ और देश का सबसे कम साक्षर जिला है। जिले की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो यहां दो विधानसभा क्षेत्र अलीराजपुर और जोबट हैं, जिनमें अलीराजपुर में वर्तमान में कांग्रेस के मुकेश पटेल विधायक हैं, तो वहीं जोबट में भाजपा की सुलोचना रावत विधायक है। जिले की आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की बात की जाए तो यहाँ 60% से अधिक जनसंख्या गुजरात राज्य में पलायन कर मजदूरी के लिए प्रतिवर्ष जाती है। अलीराजपुर जिले में मां नर्मदा लिंक परियोजना का पानी आने से कई गांवों में किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। जिले में मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहां दोनों विधानसभाओं अलीराजपुर और जोबट में कुल मतदाता 566,432 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 281,016 हैं, वहीं महिला मतदाता 285,408 हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 8 है, वहीं बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 4,778 है, जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है। वहीं 100 वर्ष या उससे अधिक की आयु के मतदाताओं की संख्या 20 है। जिले में कुल 610 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 17 नवंबर को निर्वाचन की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार अलीराजपुर विधानसभा से भाजपा ने पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान विधायक मुकेश पटेल पर ही अपना दांव खेला है। वहीं बात जोबट विधानसभा की करें तो कांग्रेस पार्टी ने सेना महेश पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जो कि अलीराजपुर नगर पालिका की वर्तमान में अध्यक्ष है। तो वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक सुलोचना रावत के बेटे विशाल रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। और आइए अब जानते हैं कि यहां की जनता इस बार क्या चाहती है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, राजनीतिक दलों के द्वारा अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं और यहाँ की जनता कैसा विधायक चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, इन मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे इन अलीराजपुर विधानसभा की जनता से। जी, आप बताना चाहोगे कि आप किस प्रकार का विधायक चाहते हो, ये बताइए। हम अलीराजपुर में इस प्रकार का विधायक चाहते हैं कि जो यहाँ की स्वास्थ्य समस्या है वो सबसे बहुत ही खराब स्थिति में है। यहाँ पे हर दूसरे पेशेंट को गुजरात रेफर किया जाता है, तो हमारा विधायक ऐसा बने जो अलीराजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवा दे। मेडिकल कॉलेज खुलने से यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेगी तथा यहाँ से जो हमारे ग्रामीण जन और आम जनता गुजरात की ओर रेफर होते हैं वो रेफर होना बंद हो जाएंगे। यह सबसे जटिल समस्या है इस अलीराजपुर जिले की, और हम ऐसे विधायक को चुनना चाहेंगे कि जो इस मांग को पूरा करे हमारी। सबसे पहले किसानों के हित में बात करे, खाद बीज की व्यवस्था करे, जो बेरोजगारी है उसको दूर करे, और मेन सुविधा ये चाहिए। हमारा इस क्षेत्र में विधायक सभी वर्ग को लेकर चलने वाला विधायक होना चाहिए, साथ ही साथ शिक्षा स्वास्थ्य पलायन रोजगार को इस अलीराजपुर जिले में उपलब्ध कराए, ऐसे विधायक की जरूरत है। और हमारे इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी समाज जन भी ऐसे विधायक से अपेक्षा करते हैं जो किसान के हितों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। लोगों का कहना कि विधायक पढ़ा लिखा हो, साथ ही वह विधायक हो जो सभी वर्ग को लेकर चले और विकास की बात करे, ऐसा विधायक चाहिए। साथ ही हमारे साथ में एक बंधु और जुड़ चुके हैं, इनसे पूछेंगे कि आप कैसा विधायक चाहते हो, आपके क्षेत्र की क्या मांगे हैं। अलीराजपुर में बेसिकली अगर देखा जाए जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की जो समस्या है, ट्राइबल बेल्ट है, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर बदहाल है, इतनी अच्छी नहीं है। लगातार अगर कोई भी पेशेंट आता तो रेफर किया जाता है। एक तो वो एक ऐसी चीज है जो जो भी जनप्रतिनिधि आए उसे उठाना चाहिए। दूसरा, रोजगार यहाँ पे बड़े पैमाने पर पलायन होता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, ट्राइबल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ से अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। पलायन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, उसके लिए उद्योग धंधा, उद्योग रोजगार लगाए, ऐसे विधायक की यहाँ पे जरूरत है।
एक खास बात यह है कि अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ से बाईपास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक का जो वजन है लगातार ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, तो एक बाईपास की आप जरूरत है। अलीराजपुर की जनता का कहना, एक ऐसा विधायक चाहिए जो सबके हित की बात